श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 मार्च को होली का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पूरी वीडियो में होली पे करने वाले हम लोग चार महा उपाय की बात करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला उपाय हमारा होली का होगा कि जो कि आपको पीले चंदन से करना है मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय आपको गुलाल अबीर से करना होगा बीमारी को दूर करने के लिए। तीसरा उपाय आपको दूर्वा से करना है धन संपदा के लिए। और चौथा उपाय आपको देसी घी से करना है हस्बैंड वाइफ यानी कि पति और पत्नी के लिए, ठीक है। इन सभी उपायों को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि पीले चंदन का है, जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले बता दूं, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आज थोड़ा मैनेज करिएगा, जैसे ही सही होता है आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीला चंदन, तो आपको भी इसी तरीके से पीला चंदन लेना है, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। पीले चंदन को लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से शहद। शहद भी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक चम्मच के आसपास शहद लेना, ठीक है ना। शहद ले लिया, शहद के बाद में जो सबसे प्रिय चीज़ है महादेव की, वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी होली के दिन, है ना। अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा तरीके से समझना कि हमें कहाँ कहाँ पे और कैसे इस उपाय को करना है। एक तांबे का लोटा भी ले लेना, उसमें जल भरना अपने घर से, और सुबह से लेकर के शाम तक रात तक के टाइम पे कभी भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, ठीक है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में शहद है उस शहद को गिराएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, एक चम्मच शहद, ठीक है। अच्छे तरीके से शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का भी लेपन बहुत अच्छे तरीके से कर देंगे। पीला चंदन का लेपन करने के बाद में अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे एक लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंद केश्वर महादेव के नाम से। अभी आपके पास में एक बेलपत्र है, अब आपको उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखनी होगी, अपनी मनोकामना, आपकी जो भी विशेष हैं उस कामना का स्मरण करके, ठीक है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में महादेव से विनती कर लेना, जो भी आपकी प्रार्थना हो, जो भी आपके विशेष हो, वो आप कह लेना, ठीक है। कहने के बाद में जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए, तो ये जो बेलपत्र यहाँ पे आपने चढ़ा रखा है, इस बेलपत्र को लेके आप अपने घर चले जाना, और इस बेलपत्र को अपने घरों में 11 दिनों तक रखना है। कहीं पे भी आप अपने घर में संभाल करके 11 दिनों तक इस बेलपत्र को रख देना। जब 11 दिन पूरे हो जाएं, तो फिर वही बेलपत्र ला करके अपनी मनोकामना बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो भी व्यक्ति होली के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, महादेव पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। चलो, पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं गुलाल अबीर वाला, क्योंकि होली का पर्व है तो अबीर का उपाय ज़रूर करना चाहिए, और जिससे आपके घर से बरसों पुरानी जो भी बीमारियाँ होंगी वो सारी की सारी दूर होंगी, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देखो आपको अबीर दिख रहा होगा, दिख रहा है, बहुत सारे अबीर दिख रहे हैं। पहले तो आपको कोशिश करना है कि आपको पिंक कलर का अबीर मिल जाए, कौन सा? गुलाबी रंग का। अगर गुलाबी रंग का नहीं मिलता है तब कोई भी रंग का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले कोशिश करेंगे गुलाबी रंग को लेने की, ठीक है। वो लेना, और उसके बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जल इस उपाय में अपने घर से लेकर के नहीं जाना है। अगर ये उपाय आप अपने घर पे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो मंदिर में कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जल घर से लेके नहीं जाना। मंदिर में पहुँचोगे या घर पर, आप बाल्टी में पानी भरना, ठीक है, और उसी बाल्टी के पानी में आपको उस तांबे के लोटे को डाल देना, ठीक। अब देखो आपके पास में गुलाल है, अबीर है ना, आपको उस अबीर को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंद केश्वर महादेव के नाम से डालना होगा, चढ़ाना होगा, और चढ़ाने के बाद में आपको उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलना है जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, ठीक है। अबीर चढ़ा दिया, अब यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये जो तांबे का लोटा आपने बाल्टी के अंदर डाल रखा है, इसी बाल्टी में से पानी निकालेंगे और 10 लोटा जल चढ़ाएंगे। कितने लोटा? 10 लोटा जल चढ़ाना है, और हर लोटे को जल चढ़ाते टाइम कुंद केश्वर महादेव का नाम लेंगे। जो इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार इंसान का स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम और गोत्र बोलेंगे, और महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारे घर का इंसान है, बहुत बीमार है, बहुत परेशान है। आपको यह उपाय लगातार 3 दिनों तक करना है। 3 दिन मतलब कि आपको 25 तारीख को करना होगा, 26 को करना है, और 27 तारीख को करना है। 3 दिन करके इस उपाय को देख लो, उस इंसान की जो भी बीमारियाँ होंगी वो धीरे धीरे करके ठीक
ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दूर्वा से करना है ना। और ये दूर्वा का उपाय आपके घर में अगर धन संपदा को लेकर बहुत ज़्यादा कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम सभी लोग कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग होली के इस पावन दिन पे इस उपाय को कर पाएँ। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दूर्वा दिख रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, जो हरी वाली दूर्वा आती है ना, सात हरी दूर्वा लेना, ठीक है। दूर्वा लेना, दूर्वा को लेने के बाद में आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है। बेलपत्र हुआ, अब धन संपदा का उपाय है तो आपको कमल गट्टा भी ज़रूर लेना चाहिए। तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरना और एक कमल गट्टा भी इस कलश के अंदर डाल देंगे, ठीक है। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जाओ, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको पता है कि यह उपाय हम किसके लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपके पास में जो दूर्वा है ना, उस दूर्वा को आपको रिद्धि सिद्धि के नाम से भगवान गणेश के स्थान पे सात की सातों दूर्वा चढ़ानी है। किसके नाम से चढ़ाओगे, रिद्धि सिद्धि के नाम से भगवान गणेश के स्थान पे सात दूर्वा समर्पित करेंगे, ठीक है। समर्पित कर दिया, जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को अभी नहीं चढ़ाना है, ठीक है। सात दूर्वा भगवान गणेश के स्थान पर चढ़ाने के बाद में एक लोटा जल तांबे के लोटे से, जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है, वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे, ठीक है। कमल गट्टा यहीं कहीं आकर के गिर जाएगा, रुक जाएगा, उस कमल गट्टे को उठा लेना, ठीक है। उठाने के बाद में आप मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, जो एक बेल पत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, और इस कामना से चढ़ाना कि हमारे घर में धन संपदा की कोई कमी ना हो, हमेशा मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना हो, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। तो इस तरीके से बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब जो एक कमलगट्टा आपने उठाया है और जो सात दूर्वा यहाँ पे आपने समर्पित किया है, इनमें से एक दूर्वा उठा लेंगे और एक कमलगट्टे को इसे लेके आप अपने घर जाएंगे, जहाँ पे भी रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हैं, होली वाले दिन इस उपाय को करके उन दोनों चीज़ों को अपने घर की तिजोरी में, आलमारी में रख देना, या फिर जहाँ भी रुपए पैसे रखते हो वहाँ रख देना। कभी भी लाइफ में आपके धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना होगा, ठीक है। समझे आप। तो तीन उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा घी से, ठीक है। आज के टाइम पे हर घर की एक प्रॉब्लम है लड़ाई को लेकर के, ठीक है। अब वो लड़ाई आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रही है, भाई बहन में चल रही है, माँ बाप में चल रही है, दोस्तों में चल रही है, किसी में भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके घर में ना, तो इस उपाय को करिएगा ज़रूर। उसके लिए आपको घी लेना पड़ेगा, और ये घी गौ माता का होना चाहिए, ठीक है ना। गौ माता का घी लेंगे, साथ ही साथ आपको शहद भी लेनी होगी, ठीक है ना। शहद लेना, शहद भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक चम्मच के आसपास शहद लेंगे, एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। अब यहीं पे मैं जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में घी है ना, उस घी का लेपन, ये जो माता का हस्त कमल आपको दिख रहा है, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, यहीं पर आपको समर्पित करना होगा बिजली महादेव के नाम से, या फिर बिजलेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। घी का लेपन हुआ, साथ ही साथ जो आपके पास में, जो मैंने आपको बताया शहद, उस शहद को इसी चंदन के ऊपर या फिर इसी घी के ऊपर आपको लेपन करना है, फिर से बिजली महादेव के नाम से, ठीक है। फिर आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में, जो इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस इंसान का स्मरण करते हुए नाम और गोत्र बोल करके पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, और होली वाले दिन इस जल को उठा करके घर लाएंगे और अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना। जितनी निगेटिव एनर्जी आपके घर में बस जाती है, नहीं बाहर निकलती है, उससे आपके घर से कभी भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, ठीक है ना। समझे आप। तो यहां पर हम लोगों ने चार उपाय की बात कर ली है, जो उपाय आपकी फैमिली के लिए आपको पसंद आ रहा हो करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।